चीजें कैसी बनी हैं, मैंने बनवाए हैं। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज मी फाइजा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फाइजा डार व्लॉग। तो आज है तीन सफ़र और तीन सफ़र को हम मजलिस करवाते हैं बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह की जो जोड़ी है, जो उनके फ़र्जंद हैं शहजादा ओनम मोहम्मद अलैहि सलाम की शहादत के सिलसिले में हम मजलिस करवाते हैं। और ये मजलिस 10 साल पुरानी है और ये मजलिस जो है मेरी दादो ने ख्वाब में देखा था कि शहजादा ओनम मोहम्मद के ताबूत एक मेरे बाबा ने उठाए हुए हैं और एक मेरी मामा ने उठाया। तो ये दादो ने ख्वाब में देखा था और फिर हम लोगों ने ये मजलिस स्टार्ट की थी और आज माशाल्लाह 10 साल होने वाले हैं इस मजलिस को। और अभी हम सब बस निकल रहे हैं और ये कसर बुतालिब में होती है हर साल तीन सफ़र को। अभी हम सब निकल रहे हैं जी, चीज़ें ले ली हैं, मश्क ले ली है, ये धुनी ले ली है और ये पढ़ने वालों की चादरें हैं जो पढ़ने वालों को देनी है। बाकी की सारी मजलिस और बाकी की सारी तैयारियाँ आपको वहाँ पहुँच के बताते हैं। चले चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के अब निकलते हैं इमाम बरगा कसर बुतालिब के लिए। उससे पहले मेरी एक चीज बन के आई है, वो अभी तक मैंने खोल के देखी नहीं है, तो आदत हो गई है। कोई भी नई चीज आती है ना आप सबके साथ मिलके देखने की, तो इसको सबसे पहले खोलते हैं और देखते हैं ये कैसी बनी है। ओए 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 ओए, जेलसी हो रही है, जेलस हो ना आप। ये देखो जी कैसी बनी है, माशाल्लाह। दुआ हमेशा झोली में बैठती है। अच्छा जी ये है, अच्छा मुझे पहना दें अपनी जलिस भरी निगाहों से। अरे पिद्दी सी मेरी खिलाई है। अच्छा ये इस तरह की होती है, ये देखें कैसी लग रही है। इसको भी टाइट करते हैं। चलिए अब निकलते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये ओनम मोहम्मद वाले हैं और आधे इमाम हुसैन के बनाए थे ना। ये सलाम या हुसैन के, ठीक है। और ये सिक्के कितने हैं? ये 62 आएंगे। 62 आएंगे जी। और अभी हम पहुंच गए हैं कसर अबू तालिब। पापा लिफ्ट नहीं करा रहे, बिजी। और ये है इमाम बारगाह कसर अबू तालिब। ये ताज़िया है शहज़ाद अली असगर बाबुल हवाइज का। ये जो इमाम बारगाह मंसूब है हज़रत अबू तालिब अलैहि सलाम से, और ये उन्हीं की ज़री मुबारक बनी हुई है जो कि अभी लॉक है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी ज़्यारत करा देती हूँ। अच्छा जी ये जो अभी मैं दुकान से नोट ले रही थी, ये नोट मैं देती हूँ ताबूत का सदका। ताबूत तैयार होता है ना, उसका सदका तो देना होता है, हर चीज़ का सदका होता है। इवन जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम खाते हैं पीते हैं, अगर हम कोई चीज़ नई चीज़ लेते हैं उसका भी, हर चीज़ का सदका देना होता है। और उसके साथ साथ मैंने बनवाए हैं ये सिक्के। ये जो सिक्के हैं ना, ये रिस्क की बरकत के लिए होते हैं। मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम के सिक्के हैं ये सारे, जो पढ़ने वाले और जो मातमी आएंगी औरतें ये उनके लिए। चलें जी अब पापा लेकर आए हैं नाश्ता, चने आलू और इसमें हैं पूड़ियाँ। तो जल्दी से नाश्ता करते हैं क्योंकि फिर उसके बाद जुमे का टाइम हो जाएगा और जुमे के बाद हमारी मजलिस शुरू हो जाएगी। हमने बाकी सारी फिर दरियाँ बिछानी, ये करना वो करना, सबील बनानी, वो सारे काम हैं, तो उससे पहले एनर्जी होनी चाहिए। और मिमी और गुगू भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप बताएं कि अनु आप क्या लगती है? मत को जानो, अनु भी है ना? अनु भी और क्या? मत को जानो, मत को जानो, ये अभी इसमें है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ जी इसमें भी है, उस शॉपर में भी है। नहीं नहीं ख़त्म नहीं होते, ज़ारा तो ना दीदी, इसकी तो आँखें ही नहीं पड़ती। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दो और जी ताबूत भी आ गए हैं जिनका मैंने जिक्र किया था कि अशर भाई हमारे बनवा रहे। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। ये
डल जाएगा, मैं हेल्प कराऊं। अब बताएं क्या तरीका है? ये है कि जब वो ताबूत की बरामदी होगी ना जी, आपने मेन लेटर बंद कर देनी है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर इस बटन को ऐसे दबाना है, ये लेटर सारी चल जाएगी। हाँ, ये फिर रेड लाइट सेम वैसे जैसे करबला का मंजर होता है ना, करबला में उन्होंने सबने रेड लाइट्स लगाई होती हैं, वैसा हो जाएगा। ठीक है, एहसान और अशल जो है ताबूत तैयार कर रहे हैं, और एक दफ़ा ताबूत पूरा कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी। और बाहर ज़ारा बना रही है सबील, अभी चलते हैं देखते हैं कि वो बाहर क्या कर रही है। नीचे रखो, मैं ताबूत तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से। और अब मैं आपको लेडीज़ वाली साइड पे मजलिस भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन लेडीज़ वाली साइड पे जो है कैमरा मैं नहीं लेकर जा सकती, तो सबसे पहले मैं आपको ताबूत की ज़ियारत करवाती हूँ। और ये बीबी मासूम सकीना सलाम अलैहा का जिंदान है जो मामा ने अपने हाथों से तैयार किया है। और ये मंजर कशी की गई है बीबी सकीना को, रस्सियों में जकड़ के शाम ले जाया गया था। ये वो मंजर कशी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपने बच्चों की वगा देख रही थी जैनब, जिस्म नेजों से छिदा देख रही थी जैनब, और घोड़े से गिरा देख रही थी जैनब, सर मोहम्मद का कटा देख रही थी जैनब। अब वो फर्जंद हैं बाकी न वो माएं बाकी, रह गई उनके सबब हक की सदाएं बाकी। अभी मातम कर रही हैं और ये मैं ऊपर आ गई, देख चावलों की है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी ये क्या है, ये भी चावल है माशाल्लाह। हलीम खोलो, हलीम अभी ये सब प्लेट्स में पैक होगा। ये देखें ये क्या है, ये सलाद आ गया, ये क्या है माशाल्लाह माशाल्लाह, हलवा भी आ गया। अभी हम यहाँ लाइंस बनवाते हैं और फिर उसके बाद सब न्याज तकसीम की जाएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस हो गई है, बरामदगी भी हो गई है, और अब यहाँ पे न्याज की प्लेटें बनाई जा रही हैं। ये भाई यहाँ पे प्लेटें बना रहे हैं। और अब ताबूत को हम बढ़ाने लगे हैं,
ये जितनी भी डेकोरेशन होती है ना, इसको सब उतारना पड़ता है, और उसको हम कहते हैं कि मौला को विदा करते हैं या ताबूत या ताजिए को बढ़ा देते हैं। कैप्चर कर रही हूँ। क्या हुआ पापा, ठीक हो? गर्मी बहुत है, बहुत। पापा जगह पे बैठे रहे हैं तो ज़्यादा। जगह पे बैठे हुए थे तो ये देख के मेरे पापा की हालत देखी। क्या होगी पापा, पंखे के नीचे आओ जो। जी गाइस, तो हम लोग घर आ गए हैं, और घर आते ही सबसे पहले हम सब ने शावर लेके कपड़े चेंज किए। मेरे कपड़े पसीने और हलीम से भरे हुए थे। हलीम की अगर आपने न्याज देनी है ना, तो फिर आप रेडी हो जाएं। हलीम आपके कपड़ों पे लगती है, बालों पे लगती है, यहाँ लगती है, वहाँ लगती है। जब भी हलीम की न्याज दें तो आप लोग रेडी होएं कि हलीम लोग खादने के साथ साथ आपके ऊपर भी लगाएंगे। खैर, हमारी तो हलीम ख़ानदानी न्याज है हमारी, हम कश्मीरी हैं तो इसलिए हमारी 10 सालों से हलीम ही होती है। अभी ये मामा ने सही पुराना याद आ गया, जब हम दादो के घर में हुआ करते थे ना, और हमारी जॉइंट फैमिली होती थी, है ना किंजा? तो हम सब बैठते थे और हमारी दादो जो है ना चावल के देगचे पे बैठती थी, और देगचा, क्योंकि जब जॉइंट फैमिली हो ना, जहाँ पर मेरे चार चार चाचू थे, मेरी तीन तीन फूफियाँ, उनके बच्चे, हम सब जब जॉइंट फैमिलियाँ थी ना, फैमिली थी ना, तो तब हमारी दादो देगचा रखी थी और यूं यूं डाल के सबको दिया करती थी। तो आज अम्मी बनी हुई है अजरा बनी हुई। मेरी दादो का नाम अजरा है। अजरा की बहू है, है। अल्लाह मेरे चाचों को, मेरे सबको, बाप को, मेरे पूरे दादके को सलामत रखे। आज बड़ा दादके ने हमारा काम किया है। और सबसे पहले तो अम्मी ने आज मेरी दादो वाला काम पकड़ा हुआ है, देगचों में चावल डाल रही है और दुआ बाकियों की प्लेटों में भी हलीम डाल। और गाइस ये हमारी हलीम है, ये देखिए। अब मैं आराम सुकून से हलीम खाऊंगी। और अम्मी सब ठीक हो गया? सब कुछ, बहुत राजी है। पंचन पाल तेरे
रिजक नियाज में बरकत दे और बहुत अच्छा हमारे अम्मी हमारे मेरे में भी तेरी में हम दोनों को अलग है। अल्लाह पाक तुम्हें इतनी खुशियां दे, तुम सारी बहनों को मोला खुशियां दे, सब ने अच्छी सी ड्यूटी दी है और सब ने तामन भी बहुत किया है और मेरे मौला हुसैन बादशाह ने का लंगर है इतना इतना खुला चला है कि अभी देखो हम खा वो भी सब ठीक है। लेकिन ये मेरे माँ और मेरे बाप की नियत है, मेरी माँ और मेरा बाप दोनों मलंग है। तुझे सलामत रखे मौला। मेरे अबू भी मलंग है मौला के और मेरी अम्मी भी मलंग है और चलो 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 नहीं नहीं मेरी बहनों को भी है जिस 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 जिसने भी ना आज के इस मजलिस में शिरकत की। अच्छा मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे बड़े फैंस आएंगे, चकवाल से भी एक फैमिली आई हुई थी, हसन अब्दाल से भी आई हुई थी, मैं बड़ी खुश हुई हूँ इतने दूर से लोग आए हैं, मतलब बड़ी खुशी हुई है आज मुझे कि टेंच के अलावा लोग इतनी दूर दूर से मेरे फैंस मुझे मिलने आए। वो कहते हैं हम सिर्फ आपको देखने आए हैं, मैंने कहा देख रहे नहीं अलीम खा के जाएंगे आप जाने, मैंने उन्हें दिया आधी फैमिली चली गई, वो जो फैमिली न्याज किए बगैर चली गई, बहुत माजरत मुझे बहुत बुरा लग रहा है आप लोग न्याज खाए बगैर चले गए हैं, आप लोगों ने आगे भी जाना था लेकिन आप लोग आए इतनी दूर से हमारी मजलिस पे, हमें इतना प्यार दिया, मुझे बहुत खुशी हुई है। टेंच का तो मजमा था ही, टेंच के बाहर का दूर दूर से लोग आए हुए थे, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों को मैं क्या दुआ दे सकती हूँ, आपको बीबी खुद देंगी, ये उन मजलूम शहजादों का जनाजा था, ये उन मजलूम शहजादों की मजलिस थी जिनको मेरी बीबी नहीं रोई। मेरी बीबी ने, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने भाई हुसैन का सदका किया था, दो ही बेटे हों जिसके और वो अपने भाई से सदका कर दें और उनको ना रोए और कहे मैं जब तक जिंदा रहूँगी मैं अपने भाई हुसैन को रोऊँगी। तो ये उन मज़लूम शहजादों का हम लोग जनाजा करते हैं, ये उन शहजादों की, जैसे कि मैंने बताया था मेरी दादों ने ये ख्वाब में देखा था तो मेरी अम्मी ने ये मजलिस रखी थी और आज 10 साल हो गए हैं, ये 10वीं मजलिस थी आज हमारी। मेरी दादों भी आ जाइए, अल्लाह मेरी दादों को भी सेहत दे। तो ये 10 साल हो गए हैं, ये 10वीं हमारी मजलिस थी, मौला कबूल करे। मैं आप लोगों को कोई अजर नहीं दे सकती हूँ या मैं आपको क्या दुआ दे सकती हूँ, आपको वो बीबी खुद दुआ देंगी। आप लोग उन मजलूम शहजादों के जनाजे पर आए हैं, आप लोग उनकी जीनत बने, आप मौला के मेहमान थे, मेरे नहीं थे, तो जो जो आया है बहुत शुक्रिया, मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। हमारी जो मातमी तंजीमें आई हैं उन लोगों की शुक्रगुजार हूँ, हमारी जो आलिमा थी, हमारे एक एक बच्चा बच्चा, मैं उन सब की शुक्रगुजार हूँ। मौला आपको अजर दें। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, जाहिर है, और हमारे कायद की जो बेटियां, अल्लाह उनको भी इस मिशन में कामयाब करें, उनकी ज़ुबान में और तासीर पैदा करें और हमारे सर पर सलामत रखें। और हमारी जो उमल बनीन गर्ल्स गाइड जितनी भी तंजीम थी उन सब की भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जैसे ही कोई अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय। चलें जी, अब मैं भी न्याज और मेरी अलीम कौन डालेगा, बड़े अफसोस की गल है, अपनी मदद आप ही। मम्मी कह रहे मैं डालूं, नहीं मैं खा, मैं खुद ही डाल लेती हूँ बेबी, मुझे भी अचार दो, अचार दो वो मुझसे पहले देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नजरे अल्लाह, नियाज़े हुसैन, और ये जो हमारी अलीम बनाते हैं ना, हम बनाते हैं अली टेंट से। आप सब ने भी अगर अलीम बनानी हो तो आप अली टेंट से ही बनवाएं, टेंट में है इनका ऑफिस, बहुत मजेदार अलीम बनाते हैं, मजा आ गया। यमी है गोगी, गोगी यमी है, मिमी यमी है। चार नहीं खाते बच्चे, चलो खाओ, अल्लाह हाफिज, दुआ में रखिएगा याद।